तो गाइस मैं आपका होस्ट और दोस्त सभ्या सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सभ्या सचिन चैनल। तो एक बार फिर से मैं लेकर आ गया आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग जो कि बहुत दिनों के बाद आ रहा है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बट आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगा और आपको आज पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ पूरे डे में, वो आपको दिखाने वाला हूँ एज अ नीट एस्प्रेड ड्रॉपर। और मैं पढ़ रहा हूँ फिजिक्स वाला से, तो आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ। तो काफी लोगों का क्वेश्चन बहुत सारा कमेंट में आ रहा था कि हम कौन सा बैच से थे टेस्ट, ये किंग 1.0 2.0 दोनों से पढ़ते हैं, तो किस बैच का टेस्ट सीरीज फॉलो करें। पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स कुछ लोगों ने मंगा रखा है तो उनका कब आएगा, तो काफी क्वेश्चन आ रहे थे तो उसका भी आंसर करूंगा इसी ब्लॉग में। दो चार कमेंट ये भी आ रहे थे कि मैं जो टैब एक यूज करता हूँ पोर्टेबल टैब जो राइटिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, फॉर्मूलाज लिखने के लिए जो रिवीजन के टाइम पे, तो वो कौन सा है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और बता भी दूंगा थोड़ा बहुत इन्फो। तो सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिलने वाला है, कमेंट जो जो आपने किया था उसका आंसर भी मिलेगा इस ब्लॉग में, और क्या क्या करने वाला हूँ वो भी दिखाने वाला हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 8:07, तो अभी से मैं जाने वाला हूँ। और जूलॉजी का जो कल का क्लास बैकलॉग रह गया था जो कि मैंने फिजिक्स की वजह से मैं नहीं देख पाया था, क्योंकि फिजिक्स और जूलॉजी का एक ही टाइम पे होता है क्लास 11:15 से 1:15, तो वो मिस हो गया था। फिजिक्स मैं देख लिया था लाइव बट जूलॉजी नहीं देख पाया था, तो वो अभी मैं करूँगा। 8 से 10 के बीच हो जाएगा, तो वो भी आप देख लें एक बार फास्ट फॉरवर्ड टाइम लैप्स। उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको। तो गाइस टाइम हो चुका है 10:30 और मुझे जो देखना था जूलॉजी का लेक्चर है नोट्स वो मैंने बना लिए हैं, और वो 2.5 घंटे लग गए। अगर मैं लाइव देखता तो 2 घंटे में हो जाता, लेकिन इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर हो सके तो आप लाइव ही लेक्चर देखने की कोशिश करें। जैसे कि एक समय पर अगर 2 लेक्चर हो जाए तब तो एक रिकॉर्डेड देखना ही पड़ेगा, लेकिन लाइव में क्या होता है आपका नोट्स भी उसी टाइम में हो जाता है एंड आपका लेक्चर भी हो जाता है, आप उसी फ्रिक्वेंसी से समझ लेते हो तुरंत। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा लाइव लेक्चर ज्यादा प्रीफर करें आप लोग। तो अभी से मैं 10:30 से लेकर 11:00 तक चिल आउट ब्रेक लूंगा, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हर एक लेक्चर के बाद आपको 10 से 15 मिनट का जो ब्रेक मिलता है उसमें आप थोड़ा घूम लें बाहर, जिससे कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और बैठे बैठे आई पे जो स्ट्रेन पड़ता है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा आप आउटडोर जाकर वॉक करके आ जाए, जिससे आपके लिए सही होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको 11:00। तो गाइस 11:00 हो चुका है और आज सैटरडे है, तो इसलिए आज केवल एक ही क्लास होने वाला है, वो भी यकीन 2.0 में होगा, क्योंकि वो उसमें मंडे टू सैटरडे क्लास होता है और यकीन 1.0 में मंडे टू फ्राइडे होता है। तो आज सैटरडे को कोई भी क्लास नहीं है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया एक्स्ट्रा क्लास का, तो केवल आज फिजिक्स का क्लास है 11:15 से 1:15, तो वो मैं करने वाला हूँ। तो अभी 11 बज रहा है, तो अभी मैं जो कल का जो नोट्स दिखाया गया जो पढ़ाया गया था वो मैं देखने वाला हूँ, क्योंकि कल स्टार्ट हुआ था न्यू चैप्टर वेक्टर का, तो उसका मैं रिवाइज कर लूंगा। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हर एक लेक्चर का जो पढ़ाया जाता है, तो आप लेक्चर होने स्टार्ट होने से पहले आप कम से कम 15 मिनट जो है आपको लेक्चर का जो पिछले दिन पढ़ाया गया उसे आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, और लेक्चर खत्म होने के बाद भी जो पढ़ाया गया उसे 15 मिनट आप रिवाइज कर लें, जिससे होगा क्या कि आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा। इस तरीके से जो आप पढ़ोगे लेक्चर में वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो आप ये चीज़ आप एक बार फॉलो करके जरूर देखें। तो गाइस टाइम हो चुका है 11:15 और यहाँ पर आप देख सकते हैं MR सर का लाइव लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो गाइस मैम फाइनली गाइस फिजिक्स का जो लेक्चर था MR सर का लाइव वो मैंने अटेंड कर लिया है। अभी टाइम हो रहा है 1:30 और अब अभी के बाद कोई और क्लास नहीं है, एक नोटिफिकेशन आया है 3:00 से ऋतिक सर का जो है एक्स्ट्रा क्लास है, तो वो मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो ऐसे भी रिकॉर्डेड है, तो वो मैं कल टेस्ट देने के बाद कर लूंगा, बिकॉज कल टेस्ट है शॉर्ट टेस्ट यकीन 2.0 में। तो मैं यकीन 2.0 का ही टेस्ट फॉलो करने वाला हूँ जितने भी होने वाले हैं, भले ही मैं यकीन 2.0 से ज़्यादा टीचर से पढ़ रहा हूँ, लेकिन यकीन 2.0 का इसलिए करूंगा क्योंकि फिजिक्स का जो सिलेबस वो पीछे चल रहा है और 1.0 में जो भी टेस्ट होंगे उसका जो सिलेबस होगा आगे चल रहा होगा। तो आप भी अगर यकीन 2.0 से फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यकीन 2.0 के सारे टेस्ट को आप फॉलो करो, जिससे कि आपके लिए सही होगा, आप फिजिक्स भी अटेम्प्ट कर पाओगे हर एक टेस्ट। नहीं तो आप यकीन 1.0 के टेस्ट दोगे तो उसमें आप सिलेबस पीछे रहोगे और यकीन 1.0 के फिजिक्स के पार्ट को आप नहीं कर पाओगे, तो उससे क्या होगा कि आपको टाइम का भी समझ में नहीं आएगा, एनालाइज नहीं कर पाओगे आप टेस्ट को। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा यकीन 2.0 के टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करें। टाइम हो रहा है 2:15 और मैंने लंच भी ले लिया और मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है, तो अभी मैं करने वाला हूँ बोटनी का रिवीजन, क्योंकि कल जो है शॉर्ट टेस्ट है यकीन 2.0 में, शॉर्ट टेस्ट नंबर 1 है। तो गाइस मैं अभी रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट करूंगा मैं बोटनी से। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर आ रहा है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाला, तो उसका मैं नोट्स बेसिकली रिवाइज करने वाला हूँ एंड डोपा जो है उसके थ्रू मैं रिवाइज करूंगा पूरा चैप्टर, तो उसे रिवाइज करने के बाद मिलता हूँ, देखता हूँ कितने देर लगते हैं। गाइस टाइम हो रहा है अभी 3:30 और मैंने ऑलमोस्ट 40% जो है बोटनी का रिवीजन कर लिया है। आपको बताना चाहता हूँ अभी बेसिकली मैं बाहर आ रखा हूँ और मैं यहीं पर जो है रिवीजन कर रहा हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और मैं आपको एक
क्विक टिप भी दे देना चाहता हूँ, अगर आप लगातार 5-6 घंटे लंबा स्टडी कर रहे हो सेल्फ स्टडी, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी स्टडी के जो लोकेशन है जहाँ पढ़ रहे हो उसको हमेशा चेंज करते रहो हर 1-2 घंटे में, यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और अगर हो सके तो आप बाहर आके पढ़ो, जैसे कि इस टाइप का मौसम हो रखा है, बारिश वाला मौसम है, अच्छी हवा चल रही है, तो आप बाहर आके पढ़ो, जिससे कि आपके आई पे भी कम स्ट्रेन पड़ेगा, आपका जो माइंड है वो भी जल्दी बोर नहीं होगा, आप जल्दी रिलैक्स नहीं होगे, तो सही रहता है, बाहर अच्छा फील होता है जब आप नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ते हो ना, तो आपके लिए सही रहेगा। तो मैं बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये राइटिंग पैड जो मैं यूज़ करता हूँ ये कितने का है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऑलमोस्ट 500 के आसपास का है, और ये मैंने अमेजोन से बाय किया था, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसे आप जा सकते हैं बाय कर सकते हैं अगर आप भी नीट एस्पिरेंट, और अगर आपको रिविजन करते हुए लिखने का आदत है ना, तो लिख लिख कर याद करने का या डायग्राम बनाना का आदत है, तो गाइज या लाइक फिजिक्स बना रहे हो या केमिस्ट्री बना रहे हो, न्यूमेरिकल्स में आपको रफ चाहिए, तो रफ के लिए ये बहुत अच्छा है, लाइक आपने कुछ भी कैलकुलेशन लिखा है एंड तुरंत आप एक क्लिक से डिलीट कर सकते हो, तो गाइज बहुत अच्छा है। और मैं आपको गाइज बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मैंने पिछले वाला जो लिया था आप देख सकते हैं, ये पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा ये वाला राइटिंग पैड, ये 8 इंच का है और ये वाला 10 इंच का है, तो ये 8 इंच वाला का जो ये पेंसिल है ये टूट गया है, तो इसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा लेने को, ये वैसे तो 250 रुपये का ही है, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ही बेकार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टूट चुका है ये पेंसिल, तो ये ऑलमोस्ट 2-3 मंथ ही चल पाया, बट ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप ये वाला ही ले सकते हैं, इसी बॉक्स में आया था। तो गाइज मेरा कंप्लीट हो चुका है जो बोटनी का चैप्टर था सेल साइकिल एंड डिवीजन, मैंने डोपा एंड चैप्टर के जो नोट्स लिखाए हैं तरुण सर उसके थ्रू मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और काफ़ी क्वेश्चंस भी जो है मॉड्यूल्स के वो भी लगा लिए हैं, तो अच्छे खासे बन रहे हैं क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नहीं लग रहे थे तो उसको भी देख लिया उसके कॉन्सेप्ट को, तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बोटनी का पार्ट। अब मैं जो करने वाला हूँ स्टार्ट वो जूलॉजी का करूँगा, लेकिन अभी मैं ब्रेक लेने वाला हूँ, ये मेरा ब्रेक टाइम है, 4:40 हो चुका है, 4:40 से ऑलमोस्ट 6:30 तक का ब्रेक लूँगा, ये थोड़ा लंबा ब्रेक होता है, लेकिन यही ब्रेक मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, आपका जो भी हॉबी है, आप क्रिकेट खेलते हो क्रिकेट खेलने जा सकते हो, सिंगिंग करते हो डांसिंग करते हो, कुछ भी फॉलो आप अपना कर सकते हो। गाइस मैं तो अभी बाइक सीख रहा हूँ, बेसिकली मैंने ये न्यू बाइक लिया है, तो यही बाइक मैं सीखने के लिए जाता हूँ, तो अभी मैं जाने वाला हूँ बाइक सीखने, फिर मैं आपको मिलता हूँ 6:30 में स्टडी टेबल पर। तो गाइस टाइम हो चुका है 6:50, बात हुई थी 6:30 की, बट यार 20 मिनट लेट हो गया, इतना हो जाता है। तो गाइस अभी मैं रिवीजन करने जाने वाला हूँ जूलॉजी का, जो कि मैं करने वाला हूँ नोट्स से, जो कि नोमेश सर ने लिखाया है, बिकॉज मैं यकीन 1.0 से नोमेश सर से पढ़ता हूँ, तो उन्हीं के नोट्स से मैं करने वाला हूँ, तो आपको मैं रिवीजन करने के बाद जूलॉजी का मिलता हूँ। 7:15 होने वाला है, और मेरा जो केमिस्ट्री का था वो कंप्लीट मैंने कर लिया है नोट्स के थ्रू, पूरा रिवाइज कर लिया है, काफी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए हैं मोर कॉन्सेप्ट का, तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री का, बोटनी का और जूलॉजी का, बस अब फिजिक्स का ही बचा है, तो फिजिक्स का मैं अर्ली मॉर्निंग उठकर जो है, ज़्यादा सिलेबस है नहीं, वो तुरंत 1-2 घंटे में हो जाएगा वो भी रिवाइज, तो वो भी मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:00 में उठकर रिवाइज कर लूँगा, और 8:00 से टेस्ट है, तो मैं 8:00 से कोशिश करूँगा दे देने की टेस्ट, तो उसके बाद आपको मैं रिजल्ट भी बता दूंगा, कमेंट में होगा तो कमेंट में बता दूंगा, और नहीं तो पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा या अगले ब्लॉग में। तो गाइस अब बस टाइम हो गया है सोने का, मिलता हूँ किसी और नए ब्लॉग में। तो गाइस थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक वॉच किया है वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो बनाने में मेहनत लगी है, ब्लॉग बनाने में मेहनत लगी है, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही रिलेटेड नीड से रिलेटेड ब्लॉग के लिए डेली अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। तो गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।